आज आपने देखा आम व्यापारी मेरठ का एक एक चुनिंदा व्यापारी आम जनता धारा 370 हटने से खुशी मना रही है, और शास्त्री नगर के व्यापारी के अध्यक्ष किशोर माधव जी के नेतृत्व में 370 धारा हटाने के बाद 370 किलो लड्डू बांटे गए, एक एक घर में लड्डू बांटा गया। 370 किलो लड्डू का मतलब कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जनसंघ के, उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने कहा था कश्मीर हमारा होगा। आज देश के 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री जी ने और दोबारा जन्म हुआ लोह पुरुष का, ऐसे अमित शाह जी ने करके दिखा दिया कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। 370 माता की जय है, तो मोदी है, तो जितनी 370 35 से हटा के भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प को पूरा किया और 130 करोड़ देश की भारत की देवतुल्य जनता के मान सम्मान को बढ़ाया। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, और देश की देवतुल्य जनता के दिल को जाना, उनके जज्बात को जाना। वहां 70 वर्षों से जिस प्रकार से वहां भीतरघात होता था, भ्रष्टाचार होता था, रोज लहूलुहान होता था, 4,047,827 लोगों की मृत्यु हुई, उनको कत्लेआम किया, ये किया गया वहाँ पर कश्मीर में, उससे मुक्ति मिली कश्मीर पंडितों की। आज खुश होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा आज स्वर्ग में दुआ दे रही होगी। तो इस अवसर पे जो है नमो नमो कमलों के बाद कुछ नया है कुछ अब? देखिए मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह है तो लोह पुरुष है, तो अमित शाह मोदी है मुमकिन है, अमित शाह है तो चाणक्य है, राम के रूप में मोदी, राम के रूप में मोदी, लक्ष्मण के रूप में अमित शाह, ये मोदी और लक्ष्मण की, राम और लक्ष्मण की जोड़ी ने आज 370 से मुक्ति दिलाई। ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी हमारा नर नारायण का जोड़ा है, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी हम दो हमारे दो लाएगी, ये हम दो हमारे दो लाएगी, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी राम मंदिर बनाएगी। मोदी है तो मुमकिन है। आपको क्या लगता है कि धारा 370 अब तक का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार ने लिया, इसके बाद मोदी सरकार क्या सबसे बड़ा कदम उठाने वाली है? ये आज का दिन ऐतिहासिक है सर, स्वर्ण अक्षरों में इस दिन लिखा जाएगा मोदी है तो मुमकिन है, राम के रूप में मोदी, लक्ष्मण के रूप में अमित शाह, हनुमान के रूप में 130 करोड़ देश की देवतुल्य जनता ने मन मना लिया, तो 370 धारा हट गई ये मन मना लेंगे, तो हम दो हमारे दो भी हो जाएगा ये मन मना लेंगे, तो अयोध्या में मंदिर भी हो जाएगा। मोदी जी ने, अमित शाह ने जो भी किया है ये हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक काम किया है, हिंदुस्तान की सारी जनता मोदी जी के साथ है, अमित शाह के साथ है। भारत माता के शरीर से कुर हट गया, आज ये खुशी का उत्सव है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो, मोदी है तो। अध्यक्ष साहब बताइए कितनी खुशी आपको?
हाँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। आपको क्या लगता है अब तक का ऐतिहासिक फैसला अमित शाह ने लिया है, इसके बाद क्या बड़ा करने वाली मोदी सरकार? मोदी कुछ भी कर सकता है, जो जो बाकी काम है सारे पूरे होंगे। आगे आने वाले दो बच्चों का काम भी मोदी जी करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खुशी है, धारा 370 का पूरी तरीके से खात्म कर चुकी है अमित शाह मोदी सरकार। एक खुशी यहाँ पर लोगों से और पूछेंगे कि क्या क्या वो कहना चाहते हैं। ज्यादा मुमकिन है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो मोदी है अगला स्टेप हो सकते हैं कि हम दो हमारे दो का हो सकता है, इसके साथ राम मंदिर पर बड़ा निर्णय आ सकता है। अभी एक सोमवार बाकी है, लोग बोल रहे हैं कि तीन सोमवार में, सावन के तीन सोमवार में मोदी सरकार ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। चौथे सोमवार में क्या आने वाला उसका इंतजार है। कैमरा मैन सूरज चौधरी के साथ प्रेरणा तलवार फर्स्ट बाइट।